हे गाइस सलाम नमस्ते, कैसे का आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो आप देख रहे हो सब मेरा, एक्चुअली मैं अपने गोडाउन में आया हूँ अभी, क्योंकि मेरे गोडाउन में एक रूम है जिसमें मैंने अपना स्टूडियो बना रखा है। तो अभी स्टूडियो में ही मैं शूट कर रहा था, और स्टूडियो से बाहर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत सफोकेशन हो रही थी और बाहर वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी मैं आज जाने वाला हूँ अपने स्किन केयर डॉक्टर के पास, उसी का पूरा व्लॉग बनाने वाला हूँ, तो मिलते हैं आपसे वहीं। हे गाइस, सो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ डॉक्टर के जाने के लिए, और कौशिक भी मेरे साथ जा रहे हैं। हम लोग बाइक से डॉक्टर के जा रहे हैं, सो लेट नहीं करते क्योंकि अपॉइंटमेंट वहाँ पे है, और उन्होंने मेरे को आधे घंटे में बुलाया। जल्दी चलते हैं डॉक्टर के, मिलते हैं भाई। सो बाइक में पेट्रोल था, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा पेट्रोल पड़वा लिया पेट्रोल पंप पे इस समय, और यहाँ से फटाफट निकल गया डॉक्टर। तो गाइस आ चुके हम अपने स्किन सिटी डॉक्टर के पास, चलते हैं अंदर, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल देखते हैं कितना टाइम लगेगा। हे गाइस, सो फाइनली स्लिप हो गया, सब कुछ हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास ऊपर, और ट्रीटमेंट शायद थोड़े टाइम में स्टार्ट होगा। चलते हैं फिलहाल ऊपर। हे गाइस, सो अभी मैं डॉक्टर के आ चुका हूँ, और मुझे थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी अंदर है एंड उनके स्किन का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। सो अभी वेट करते हैं, देखते हैं। सो गाइस, अभी मुझे अंदर बुला रहे हैं और मैं अंदर जा रहा हूँ क्योंकि चेहरे पे क्रीम अप्लाई करते हैं जो नमनेस के लिए होती है, सुन्न कर देती है चेहरे को। सो चलते हैं अंदर। अभी मुझे 40 मिनट वेट करना है क्योंकि नमनेस क्रीम जो अभी लगाई है उसको असर करने में 40 मिनट लगेंगे, और अगर बिना सुनने करे डॉक्टर साहब ने करा तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। सो ये सारा टेप इसलिए लगाया ताकि अच्छे से नम हो जाए और मॉइस्चराइजर चेहरे में बना रहे। तो 40 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको। भूत लग रहा हूँ ना इसमें, मैं लुकिंग गुड, अच्छा लग रहा हूँ ना इसमें भी। द मम्मी रिटर्न्स, द पापा रिटर्न्स, सॉरी द पापा रिटर्न्स। तो मिलता है 40 मिनट बाद। सो गाइस, 40 मिनट वेट करने के बाद ये नम हो चुका है और मेरे को अंदर बुला रहे हैं, तो चलते हैं अंदर। गाइस, मैम ने टेप हटा दिया, बट लास्ट टाइम मैं सच बताऊं तो इतना मेरे को ना नमनेस, वो जो होता है ना क्या सुन्न फील नहीं हो रहा था, इस बार बहुत फील हो रहा है। मेरे को फील हो रहा है कि नम हो चुका है ये पूरा एरिया और हेड, ये सब नम हो चुका है। तो अभी अगर वो सिटिंग करेंगे अभी तो इतना पेन नहीं होने वाला मेरे को, क्योंकि मैं फिंगर जब यहाँ पर कर रहा हूँ तो मेरे को इतना पेन, मतलब इतना पेन नहीं हो रहा है जब मैं ऐसे फिंगर टाइट से भी कर रहा हूँ, बट चेहरा लाल पड़ रहा है, पेन नहीं हो रहा है। फिलहाल तो मैं अभी कर रहा हूँ डॉक्टर साहब का वेट, वो जल्दी से बस पेशेंट को देख के आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। और मेरे फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम रह गई है, कैमरा मैन आया नहीं, बस 6% बैटरी है। सो बस ये सब शूट हो जाए और मैं वीडियो में ब्लॉग में एडजस्ट कर लूँ सारा। Thank you.
चिराग भैया ये क्रीम अप्लाई करें ताकि पेन ना हो और जलन कम हो। हे गाइस, सो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करा के मैं आ चुका हूँ और आप देख सकते हो चेहरे की कंडीशन कैसी हो रही है। ये पूरा रेड पड़ा हुआ है, ऊपर रेड है, यहाँ रेड है, नोज़ रेड है। और जब मैं आया तो इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी कि मतलब मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाया। अभी शाम हो चुकी है फिलहाल और मैं सो गया था क्योंकि इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने ट्यूब और मेडिसिन दी थी खाने को और लगाने को, तो वो मैंने अप्लाई किया, उसके बाद मैं डायरेक्ट सो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन मच रही थी। अभी मैं उठाऊँ और इसी के साथ, अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ ये ब्लॉग, मैं इसी को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। एक छोटा सा मिनी ब्लॉग था स्किन केयर के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे इसकी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, और मेरी एक रोस्ट वीडियो आने वाली है तो उसे देखना भी ना भूलें।